सरकार पर बड़ा हमला इस वक्त। मोदी सरकार बंटवारे और हिंसा की जननी है। हिंसा पर सोनिया ने मोदी सरकार को घेरा है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी नागरिकों को निशाना बना रही मोदी सरकार। सरकार ने देश को नफरत की खाई में धकेला। सोनिया गांधी का सीधा हमला बीजेपी सरकार केंद्र सरकार के ऊपर है। इस सारे मुद्दे को लेकर हिंसा की जननी है ये सरकार। सोनिया गांधी ने भी प्रियंका गांधी के धरने पर बैठने के साथ ही केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर जो आग लगी उसने सिस्टम और सियासत का वो काला चेहरा दिखा दिया जो सबको जलाकर खाक कर देने पर आमादा है। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर लगी आग अब सोशल मीडिया पर फैल गई है। सैकड़ों वीडियो और हजारों दावे वायरल हो रहे हैं। कुछ वीडियो वायरल हैं जिनके आधार पर दावा किया जा रहा है कि जामिया के बाहर बसों में आग खुद पुलिस ने लगाई। देखिए सनसनीखेज वायरल दावे में कितना दम है। जामिया के छात्र हैं आप लोग? हाँ सर, मेरे पास आईडेंटिटी कार्ड है। क्या दिल्ली में पुलिस ने ही बसें जलाई थी? क्या दिल्ली की आग के पीछे घटिया राजनीति है? दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के एक ट्वीट ने ओखला में लगी आग को ट्विटर तक पहुंचा दिया। ट्विटर से लेकर फेसबुक तक और यूट्यूब से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप्स तक दनादन एक वीडियो फैलने लगा। इस वीडियो में संतरी रंग की एक बस और कुछ पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। इसी वीडियो के आधार पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर सबसे बड़ा आरोप लगा दिया। अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ये वीडियो पोस्ट करके दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा, चुनाव में हार के डर से बीजेपी दिल्ली में आग लगवा रही है। आम आदमी पार्टी किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ है। यह बीजेपी की घटिया राजनीति है। इस वीडियो में खुद देखें किस तरह पुलिस के संरक्षण में आग लगाई जा रही है। यह वायरल वीडियो सिर्फ 20 सेकंड का है। दिल्ली में लगी आग का सच जानने के लिए आप इस वीडियो का एक एक फ्रेम बहुत गौर से देखिए। वीडियो की शुरुआत एक जलती हुई बाइक से होती है। उसके बगल में एक नारंगी रंग की लो फ्लोर क्लस्टर बस खड़ी है। सामने लाठी लिए और हेलमेट पहने पुलिस का एक जवान दिखाई दे रहा है। अब इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। पुलिस के जवान के सामने एक शख्स पीले रंग के प्लास्टिक कंटेनर में कुछ लेकर जाता दिखाई देता है। पुलिस का जवान उसे कोई निर्देश देता है और वो शख्स उस कंटेनर को लेकर बस की ओर चला जाता है। बस का शीशा पूरी तरह से टूटा हुआ है। उस बस के पीछे भी कई बसें दिखाई दे रही हैं। वीडियो में आवाज आती है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। प्लास्टिक के कंटेनर को ले जा रहे शख्स से कंटेनर एक पुलिस के जवान ने थाम लिया। इसके बाद कैमरा दूसरी ओर घूम जाता है। इसी वीडियो के आधार पर सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, दिल्ली में जली हुई बसों में आग पुलिस ने ही लगाई थी। यहां तक कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तक ने इस वीडियो के आधार पर दनादन दो ट्वीट कर दिए। दूसरे ट्वीट में उन्होंने इसी वीडियो के कुछ फोटो ट्वीट किए हैं। दूसरे ट्वीट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा, ये फोटो देखिए, देखिए कौन लगा रहा है बसों और कारों में आग। ये फोटो सबसे बड़ा सबूत है बीजेपी की घटिया राजनीति का। इसका कुछ जवाब देंगे बीजेपी के नेता। अब इस वायरल वीडियो का सच जानने के लिए आप उन बसों के वीडियो देखिए जिनमें आग लगाई गई। देखिए कैसे लाल और हरे रंग की बसें धू धू करके जल रही हैं, कैसे आसमान इस आग से निकले धुएं से काला हो गया। लेकिन ये वो बस नहीं थी जो वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई दे रही हैं।
गौर से देखिए, जिन बसों के नजदीक से पुलिस वाले कंटेनर में कुछ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं उनमें आग नहीं लगी है, लेकिन इसी आधार पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जब इन बसों में आग ही नहीं लगी तो पुलिस कंटेनर में क्या ले जा रही थी। आरोप ये लगाया जा रहा है कि पुलिस ने इस कंटेनर में पेट्रोल या डीजल ले जाकर आग लगा दी, लेकिन सच ये है कि वायरल वीडियो में जो बसें दिखाई दे रही हैं वो अब भी बिल्कुल वैसी ही खड़ी हैं, यानी इनमें तोड़फोड़ तो हुई है लेकिन आग नहीं लगाई गई है। हमारे पीछे जो जली हुई बस और गाड़ियां देख रहे हैं, ये गाड़ियां न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास खड़ी है और इसमें कल देर शाम जामिया मिलिया इस्लामिया के जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं उन्होंने लगाई है। बताया ये जा रहा है ये ग्रीन बस है जो सीधे आरती और बदरपुर की ओर जा रही थी। कल देर शाम इसमें कई पैसेंजर सवार थे और ये आप हालत देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बुरी तरह से जलाई गई है, परखच्चे उड़ गई है पूरी तरह से, एक एक पार्ट जल करके राख हो चुका है। ये आप देखिए जहाँ पर ड्राइवर बैठता है, ये आप देखिए ये इंजन, ये सभी चीजें जल करके राख हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है। ये आप देखिए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का इलाका है और जब ये बस आ रही थी तो तकरीबन 150 मीटर पीछे से ही पत्थरबाजी की घटना पीछे से बस के पीछे से हुई और ये सारे शीशे सड़कों पर बिखरे हुए हैं। और ये आप देखिए DL1PC8334 नंबर की ये ग्रीन बस है और इसके आगे ये एक बस ही नहीं है, इसके आगे भी कई ऐसे बसें हैं जिसको भी जलाई गई है, छोटी छोटी गाड़ियों को भी जला दी गई है। और यहाँ पर देखरेख के लिए एक कौन है, इनसे भी बात करें, कोई कैजुअलिटी हुई थी क्या? नहीं नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं। तो कह रहे हैं कि ड्राइवर जो है सो बच गया? हाँ ड्राइवर सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइवर और कंडक्टर ये सब सुरक्षित है? हाँ सुरक्षित है ये ड्राइवर कंडक्टर। जो हालात आप देख रहे हैं काफी बदतर हालात है, एक अच्छी बात ये रही कोई कोई कैजुअलिटी इसमें नहीं हुई है, लेकिन जांच का विषय है कि कैसे और किन लोगों ने इस गाड़ी में आग लगाई है। खुद दिल्ली पुलिस ने एक बार नहीं बल्कि कई बार इस वायरल वीडियो पर सफाई दी है। जब एक रिपोर्टर ने पुलिस को ये वीडियो दिखाकर सच्चाई पूछी तो पुलिस का क्या जवाब था? इतना ही नहीं, खुद साउथ ईस्ट दिल्ली के DCP चिन्मय बिस्वाल ने भी साफ किया कि वायरल वीडियो में दिख रहे कंटेनर में सिर्फ पानी था और बसों में आग उपद्रवियों ने ही लगाई है। जब ये मॉब वायलेंट मॉब जब गाड़ियों में आग लगा रही थी, हमारे पुलिसकर्मी काफी प्रयास करके आसपास के लोगों से मांग करके पानी मांग करके उसको बुझाने का प्रयास कर रहे थे। जिस बस की बात हो रही है हमारे पुलिसकर्मी पास में से बोतल में पानी मांग करके उसमें गाड़ी को पानी डाल करके आग जलाने से गाड़ी को बचाए हैं। पास में पुलिस की मोटरसाइकिल चल रही थी उस पर फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके उसको आग को रोका गया, वरना दोनों DTC बसें जो वहां पे तोड़फोड़ की गई थी वो भी आग में वो राख हो जाती। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी बयान जारी करके कहा कि आसपास कई बसों में आग लगी थी, पुलिस आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने DCM मनीष सिसोदिया के आरोपों को झूठ बताया है। जामिया के बाहर लगी आग की तस्वीरों ने पूरे देश को दहशत से भर दिया, लेकिन जामिया के अंदर क्या हुआ सोशल मीडिया पर अब वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं जो जामिया के अंदर की दहशत के बीच छात्रों ने बनाए थे। कहां से भाई आ रहा? जामिया के बाथरूम में तोड़फोड़। कहां से भाई आराम से भीड़ पहले कर चलो यार, आगे बिखा के बहुत मार रही है। पुलिस ने बाथरूम में घुस कर पीटा। कहां से भाई आराम से भीड़ पहले कर चलो यार, आगे बिखा के बहुत मार रही है। देखिए जामिया की लाइब्रेरी में कैसा तांडव हुआ। देखिए कैसे जामिया में घरों से खींच खींच कर पीटे गए लोग।
जामिया में हिंसा भड़कने के बाद पुलिस ने क्या इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य के साथ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी में, जहाँ पे कल दिल्ली पुलिस ने एंट्री कर यहाँ पे बच्चों के साथ मारपीट की थी, बच्चों को टीयर गैस किया था और बच्चों पे आंसू गैस फेंका था। और जैसे कि आप यहाँ आसपास शायद देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी जो लाइब्रेरी है यहाँ पे ये तहस नहस हालत में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको एक ये विजुअल दिखाना जरूर चाहता हूँ, जहाँ कि ये बच्चे जो आप ये जो जमीन पे ये धब्बे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये टीयर गैस का ही स्मोक है जो आप देख सकते हैं। ये टीयर गैस का स्मोक है, ये आप देखिए जो यहाँ पे पहली बार टीयर गैस यहाँ पे आके पड़ा हुआ था। और उसके अलावा मैं आपको और भी बता दूं कि हाँ, स्टूडेंट कुछ देर रात को जो दिल्ली में कल दंगे फसाद जैसे माहौल बना, उसके बाद देर रात को पुलिस घुसी और पुलिस ने यहाँ पे टीयर गैस वगैरह फेंका। ये टीयर गैस का विजुअल भी मैं आपको दिखा दूँ, क्या टीयर गैस देख सकते हैं आप, जैसे कि ये है, ये टीयर गैस है यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस ने फेंका है। और ये टीयर गैस ही कुछ और यहाँ पे पोर्शन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जैसे कि आप देख रहे हैं टीयर गैस जो पुलिस ने फेंका है। कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो जो जिनीवा कन्वेंशन है, ये देखिए पत्थर भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, पत्थर भी है। इंटरनेट पर जामिया में हुए तांडव के ऐसे सैकड़ों वीडियो वायरल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये शीशे तोड़े हैं। तो जामिया को किसने जलाया? वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्या अमानतुल्ला खान ने भड़काई आग? जामिया को किसने जलाया? छात्रों ने, दिल्ली पुलिस ने, या फिर ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने? वो अमानतुल्ला खान जो जामिया में हुई हिंसा से ठीक पहले जहर बुझी बातें कर रहे थे। ये रिपोर्ट जरूर देखिए। दिल्ली की आग का अपराधी कौन? क्या अमानतुल्लाह खान के भाषण से भड़की जामिया में हिंसा? पानी के बगैर लोग रह लेंगे, रोजा भी रखते रह लेंगे, पानी के बगैर रह लेंगे। आज तो यहाँ सांस लेना, आजादी से रहना, इबादत गाहों की हिफाजत, दाढ़ी टोपी के साथ चलना, मुर्गे में रहना मुश्किल हो गया। ओखला से विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान पर रहना मुश्किल हो गया। ओखला से विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान पर ओखला की हिंसा भड़काने का आरोप लग रहा है। आरोप ये है कि हिंसा से ठीक पहले उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। आज सीए भी आया ना, कल क्या करेंगे ये लोग? ये मस्जिदों से आजाद नहीं होगी, माइक नहीं लगेंगे, परसों क्या कहेंगे?
कि दाढ़ी टोपी में कोई भी आदमी नहीं रहेगा। दर्शकों क्या करेंगे, बुरके में औरतें नहीं चलेंगी, हद होती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब तीन तलाक लाया था, हमारी खामोशी को बुरके समझ लिया था। जामिया में हिंसा भड़कने से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जामिया के पास शाहीन बाग में भाषण देते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली में लगी आग के लिए अमानतुल्लाह को जिम्मेदार ठहराते हुए इस वीडियो के साथ ट्वीट किया, @ अरविंद केजरीवाल के इशारे पर आपका विधायक जनता को भड़का रहा है। भारत का मुसलमान भारत के साथ है, तुम जैसे गद्दारों की बातों में आने वाला नहीं है। लोगों को उकसाना बंद करो, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के गद्दारों को सबक सिखाएगी। आपका पाप सामने आ रहा है। मैं अमानतुल्ला ओखला से विधायक, आज अभी एक टीवी में खबर चल रही है कि अमानतुल्ला की अगुवाई में कुछ बस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर कुछ बसों को जला दिया गया। मैं एक शाहीन बाग में जो सरिता बिहार से यानी कि कालिंदी कुंज से नोएडा की तरफ रोड जाता है, उस रोड पर एक मुजाहिरा हुआ, उस मुजाहिरे में मौजूद था। जहां मैं मौजूद था वहां किसी किस्म की कोई आगजनी की खबर नहीं है, और ये इल्जाम सरासर गलत है कि मेरी अगुवाई में बसों को जलाया गया। इसी तरह इशारे इशारे में लेकिन बेहद तल्ख भाषा में कवि और आम आदमी पार्टी के पुराने साथी कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया है, जिसमें अमानतुल्लाह खान को उन्होंने अमानती गुंडा कह दिया। आदतन कमीनेपन को लागू करने के लिए फिर एक बार अपने उसी अमानती गुंडे का इस्तेमाल। नस नस से वाकिफ हूँ बौने, पता है कि अपनी टुच्ची सी कुर्सी और सत्ता के लिए देश सेना जनता सिद्धांत बच्चे दोस्त माँ बाप सब कुछ दांव पर लगा सकता है। दिल्ली को आग में झोंकने वाले वक्त तेरा हिसाब करेगा। हालांकि जैसे ही आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का ये वीडियो वायरल होने लगा तो तुरंत उन्होंने सफाई दी और कहा कि जहां वो थे वहां कोई दंगा नहीं हुआ। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि वो हिंसक प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, लेकिन वायरल वीडियो में अमानतुल्लाह भीड़ के बीच जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दिल्ली की आग के लिए इलाके के विधायक को आरोपी तो बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट, आपको इशारा कुछ कुछ मिल रहा होगा, बाकी जांच पुलिस कर रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी देश में हिंसा और जामिया में छात्रों से मारपीट के विरोध में इंडिया गेट पर धरने पर बैठी हुई हैं। प्रियंका के धरने में कांग्रेस के करीब करीब सभी दिग्गज मौजूद हैं। धरने पर प्रियंका अकेले थी, लेकिन धीरे धीरे प्रियंका के समर्थन में सैकड़ों लोग पहुंच गए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ नागरिकता कानून बनने के बाद जो संग्राम दिखाई पड़ा, जो आगजनी हुई, जिस से दिल्ली वासियों को इस बुरे हाल में झोंक दिया गया कल, उसकी तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ इस वक्त प्रियंका गांधी इंडिया गेट पर धरने पर बैठी हुई हैं। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि केंद्र सरकार ने छात्रों और संविधान पर हमला किया है, उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला किया है। जामिया के छात्रों के समर्थन में वो इस वक्त धरने पर बैठ गई है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहीं इंडिया गेट पर मौजूद हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने हालात का जायजा लिया। प्रियंका गांधी वाड्रा इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई है, यहाँ पीछे की तस्वीर देख सकती है, प्रियंका गांधी वाड्रा है, सुष्मिता देव है, जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, छात्रों के ऊपर जिस तरीके से पुलिस ने कर अत्याचार किया है, उसके सॉलिडेरिटी में प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो इंडिया गेट पर बैठ गई है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता लगभग 2 घंटे तक इंडिया गेट में बैठेंगे। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को छात्रों के ऊपर जो हुआ था उसी के विरुद्ध में प्रियंका गांधी वाड्रा बैठ गई है और 2 घंटे तक प्रियंका गांधी वाड्रा यहीं बैठी रहेंगी। कैमरामैन पुष्पन के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज़।
तो प्रियंका इस वक्त इंडिया गेट पर धरने में बैठ गई हैं। वहीं नागरिकता कानून पर देशभर में विरोध की चिंगारी ने आग भड़का दी है। पांच तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली के जामिया में हिंसा ने देश को हिलाकर रख दिया। इसके बाद जामिया छात्रों के समर्थन में विपक्ष कूद पड़ा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका खुद इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई। लखनऊ में भी प्रदर्शन है। पुलिस के खिलाफ घेराबंदी, इंडिया गेट पर विरोध, जामिया छात्रों का प्रदर्शन, तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि नागरिकता कानून बन जाने के बाद लगातार संसद में बहस के बाद अब इस तरह की जो हालात पैदा हो रहे हैं उसके पीछे लगातार बीजेपी का भी यही कहना है कि ये सब सोची समझी साजिश का नतीजा है। वहीं जामिया के जाकिर हुसैन लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पुलिस ने छात्रों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए थे। जगह का जायजा लिया संवाददाता आदित्य नायर। मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी में, जहाँ पे कल दिल्ली पुलिस ने एंट्री कर यहाँ पे बच्चों के साथ मारपीट की थी। बच्चों पे आंसू गैस फेंका था। और जैसे कि आप यहाँ आसपास शायद देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी जो लाइब्रेरी है यहाँ पे ये तहस नहस हालत में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको ये विजुअल दिखाना जरूर चाहता हूँ, जहाँ कि ये बच्चे जो आप ये जो जमीन पे ये धब्बे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये टियर गैस का ही स्मोक है जो आप देख सकते हैं। ये टियर गैस का स्मोक ये आप देखिए, जो यहाँ पे पहली बार टियर गैस यहाँ पे आके पड़ा हुआ था। और उसके अलावा मैं आपको और भी बता दूं कि यहाँ स्टूडेंट कुछ देर रात को जो दिल्ली में कल दंगे फसाद जैसे माहौल बना, उसके बाद देर रात को पुलिस घुसी और पुलिस ने यहाँ पे टियर गैस वगैरह फेंका। ये टियर गैस का विजुअल भी मैं आपको दिखा दूँ, क्या टियर गैस देख सकते हैं आप, जैसे कि ये है कि टियर गैस है यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस ने फेंका है। और ये टियर गैस ही कुछ और यहाँ पे पोर्शन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जैसे कि आप देख रहे हैं टियर गैस जो पुलिस ने फेंका है। देखिए पत्थर भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, पत्थर भी है जो ये मेरे पीछे शीशे देख रहे हैं आप, वो भी टूटे हुए। अगर ये इस सब की बात करें हम कहीं ना कहीं तो जेनीवा कन्वेंशन जो होता है, जो ह्यूमन राइट कन्वेंशन है, उसके तहत ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। यहाँ ये इतने सारे बैग पड़े हुए हैं स्टूडेंट्स के, अभी छोड़ कर स्टूडेंट्स यहाँ से भागे थे ये सारे बैग जो है। और ये छत है यहाँ पे जो टूटी हुई है अभी भी। और इसके अलावा जो अगर मैं आपको ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे आप दिखा सकूँ, तो ये देखिए पूरा जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी यहाँ पे एकदम तहस नहस हालत में है। हमारे पीछे जो जली हुई बस और गाड़ियां देख रहे हैं, ये गाड़ियां न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास खड़ी है। और इसमें कल देर शाम जामिया मिलिया इस्लामिया के जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं उन्होंने लगाई है। बताया ये जा रहा है ये ग्रीन बस है जो सीधे आरती और बदरपुर की ओर जा रही थी। कल देर शाम इसमें कई पैसेंजर सवार थे और ये आप हालत देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बुरी तरह से जलाई गई है। पर खच्चे उड़ गई है पूरी तरह से, एक एक पार्ट जल करके राख हो चुका है। ये आप देखिए जहाज पर ड्राइवर बैठता है, ये आप देखिए ये इंजन, ये सभी चीजें जल करके राख हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है। ये आप देखिए न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का इलाका है। और जब ये बस आ रही थी तो तकरीबन 150 मीटर पीछे से ही पत्थरबाजी की घटना पीछे से बस के पीछे से हुई और ये सारे शीशे सड़कों पर बिखरे हुए हैं। और ये आप देखिए DL1PC8334 नंबर की ये ग्रीन बस है। और इसके आगे ये एक बस ही नहीं है, इसके आगे भी कई ऐसे बसें हैं जिसको भी जलाई गई है, छोटी छोटी गाड़ियों को भी जला दी गई है। और यहाँ पर देखने के लिए एक कौन है, इनसे भी बात करें, कोई कैजुअलिटी हुई है क्या? नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं। तो कह रहे हैं कि ड्राइवर जो है सो बच गया? हाँ ड्राइवर सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं। ड्राइवर और कंडक्टर ये सब सुरक्षित है? हाँ सुरक्षित है ये ड्राइवर कंडक्टर। जो हालात आप देख रहे हैं काफी बदतर हालात है, एक अच्छी बात ये रही कोई कोई कैजुअलिटी इसमें नहीं हुई है, लेकिन जांच का विषय है कि कैसे और किन लोगों ने इस गाड़ी में आग लगाई है। कैमरा अश्विनी के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज दिल्ली। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।